संसद और मंत्री की मूंछ। संसद की कार्यवाही को लेकर बार बार ये बात उठाई जाती है कि प्रतिदिन संसद पर कितना खर्च आता है, प्रति मिनट कितने रुपए लग जाते हैं, हर प्रश्न पर कितना खर्च होता है। ये सवाल यों बेमानी हैं। संसद किसी से पैसा मांगने नहीं जाती, वो खुद बजट पास करती है। जो बजट पास करे उसे चाहे जितना खर्च करने का हक है। संसद का कीमती समय कैसे मजे में कट सकता है, इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। एक दिन गुलजारी लाल नंदा, रेल मंत्री, जब सदन में घुसे तो सदस्यों ने देखा उनकी मूछें सफाचट हैं। नंदा जी के सिंकिया बदन पर मूछें बहुत फपती हैं। वे रेल मंत्री होते हुए भी सुरक्षा मंत्री लगते हैं। सदन में कानाफूसी हुई और एक जनसंघी सदस्य ने कार्यवाही रोकते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, नंदा जी की मूछें आज नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनकी मूछों का क्या हुआ, क्या उन्होंने खुद मूंड ली या कोई और मूंड ले गया। दूसरा जनसंघी कहता है, ये साधारण घटना नहीं है, इस मंत्रिमंडल में सिर्फ नंदा जी की ही मूछें हैं, सत्ता कांग्रेसी, ये गलत है, जगजीवन राम की भी मूछें हैं। जनसंघी कहता है, हम जगजीवन राम की मूछ को मूछ नहीं मानते, सत्ता कांग्रेसी, तुम्हें मानना होगा, हम सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादियों की ये धांधली नहीं चलने देंगे कि वे हमारे अध्यक्ष की मूछ को मूछ ही न माने। हम हर मोर्चे पर प्रतिक्रियावादियों से निपटने को तैयार हैं, चाहे वो मूछ का मोर्चा ही क्यों ना हो। जनसंघी कहता है, ये मामला साधारण नहीं है, नंदा जी साधारण मंत्री नहीं हैं, हमारे गोरक्षा आंदोलन के वक्त वही गृह मंत्री थे, फिर वे दो बार दो प्रधानमंत्रियों के बीच के दिनों में प्रधानमंत्री रहे, उनकी मूछ देश की मूछ है, फिर मूछ भारतीय संस्कृति में उत्तम पुरुष का प्रतीक है। द्रमुक सदस्य कहता है, गलत है, राम और कृष्ण की मूछें नहीं थीं, कोई भी फोटो उठाकर देख लीजिए, उत्तर भारत का ये साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। कांग्रेसी कहता है, अविभाजित कांग्रेस होती और हम साथ होते तो ऐसा नहीं होने देते, अनुशासनहीनता की हद है कि दल की कार्यकारिणी में निर्णय हुए बिना कोई मंत्री मूछें साफ करा ले। हमारे पास पक्की जानकारी है कि कम्युनिस्टों के दबाव में आकर नंदा जी ने मूछें साफ करवा ली हैं। हमारे दल के एक सदस्य ने आज सुबह भूपेश गुप्त को नंदा जी की मूछ पर उस्तरा चलाते देखा। साम्यवादी कहता है, गलत है, हम इस सरकार को सिर्फ कार्यक्रम के आधार पर समर्थन देते हैं और उस कार्यक्रम में नंदा जी की मूछों का उल्लेख नहीं है। न हमारा काम कांग्रेस की मूछ की हिफाजत है, न उसे काटना, ये सारी साजिश CIA की है। जब से दिल्ली प्रशासन जनसंघ के हाथों में आया है, तब से राजधानी में कई CIA एजेंट हो गए हैं, इसलिए भूपेश गुप्त कलकत्ता में हजामत बनवाते हैं और हम केरल में। एक प्रसोपाई कहता है, हम भी मामले में कुछ कहते पर हमारी इस समय सत्ता कांग्रेस से समझौता वार्ता चल रही है। संसोपाई कहता है, तुम तो इंदिरा की पैर की जूती हो। प्रसोपाई कहता, शट अप। एक भाकरांदी कहता है, क्या ये सही है कि नंदा जी की मूछें उसी मुगल सराय वाले साधु ने मूड़ी हैं जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के काम में लगा रखा है? अगर ये सच है तो चिंता की बात है, जो साधु रेल मंत्री की मूछें काट ले वो इंजन भी गायब कर सकता है। मार्क्सवादी कहता है, संशोधनवादियों से समझौता करोगे तो मूछें तो जाएंगी ही,
जिस दिन केरल में इनका मोर्चा बना था उसी दिन हमने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन नंदा जी की मूछें जाएंगी। अध्यक्ष ने अब नंदा जी की तरफ देखा। नंदा जी उठे और वक्तव्य दिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सुबह मैंने हजामत बनाई, नहाया और खाकर लोकसभा में आ गया। मूछें है या नहीं ये भी मैं नहीं कह सकता, सरकार इसकी जांच करेगी। कई सदस्य कहते हैं, हाथ फेर कर देख लीजिए ना। नंदा जी कहते हैं, मैं सदस्यों की ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता, मैं मूछ पर हाथ नहीं फेरूंगा। सरकार का काम करने का एक तरीका है, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगी। कई सदस्य कहते हैं, सदन को तथ्य जानने का हक है। नंदा जी कहते हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ कि एक जांच समिति बिठा रहा हूँ जो ये जांच करेगी कि पहले मेरी मूछ थी या नहीं, अगर थी तो अब है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कई सदस्य कहते हैं, कमेटी की जांच होने तक तो मूछें फिर बढ़ जाएंगी, अभी सदन में इसका फैसला हो जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, जब वे कह रहे हैं कि जांच समिति बिठा रहे हैं तो सदस्यों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। सरकार किसी तथ्य पर पर्दा नहीं डालना चाहती है। एक सदस्य कहता है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं, अच्छा न्यायिक जांच हो जाएगी, जस्टिस खोसला अभी खाली नहीं है, वे नेताजी की मृत्यु की जांच से निपट जाएं, तब नंदा जी की मूछ का मामला उन्हें सौंप देंगे। एक संसुपाई कहता है, धिक्कार है, ये राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की खैर नहीं है, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। दूसरा संसुपाई कहता है, नहीं पूना में नारा बदल गया है, इंदिरा हराओ देश बचाओ। पहला संसुपाई कहता है, चुप रह बे राज नारायण के बच्चे। दूसरा संसुपाई कहता है, चुप रह रे जोशी की रखैल। पहला संसुपाई कहता है, थू थू। दूसरा संसुपाई, थू थू। अध्यक्ष कहता है, माननीय सदस्य सदन छोड़ दें। दोनों, हम नहीं निकलेंगे, हम सीट के नीचे घुस जाएंगे, हम कुर्सी की टांग से चिपक जाएंगे। अध्यक्ष कहते हैं, मैं कहता हूँ दोनों सदस्य सदन से बाहर चले जाएं। ये क्या तमाशा है, जब से मैं स्पीकर हुआ हूँ मेरा दिमाग इतना खराब हो गया है कि मैं बीवी की प्रेम की बात सुनकर भी ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाता हूँ। अध्यक्ष मार्शल को हुक्म देते हैं, दोनों संसुपाई सीट के नीचे घुस जाते हैं। मार्शल को उन्हें उठाकर बाहर ले जाने में 20 मिनट लग जाते हैं। पूरा महागठबंधन वॉकआउट कर जाता है। सदन का एक घंटा खत्म होता है।